फर्क नहीं पड़ता। वक्त कैसा है फर्क नहीं पड़ता। किस पर क्या गुजर रही है, एक ध्येय, एक मकसद, पैसा, पैसा और बस पैसा। आपदा को कैसे अवसर बना लिया जाए, इसकी वानगी आजकल झारखंड के निजी अस्पताल की करतूत से सामने आ रही है। सरकार ने रेट फिक्स तो कर दिया है, लेकिन यहाँ किसको पड़ी है, नियम तो हमारे लिए नहीं है, हम नियम से ऊपर हैं। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाती निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार सामने आ रही है। अपनों के इलाज के लिए परिजनों के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उनको मुकम्मल व्यवस्था अब तक नहीं मिल पाई है, जिसके वो तलबगार हैं। निजी अस्पताल की कारगुजारियों से परेशान तीमारदार अस्पताल के शुल्क पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 15 दिन में करीब 10 लाख रुपए लेने के बाद भी मरीज को बचाया नहीं जा सका। परिजनों का आरोप है कि मरने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन उनके एम्बुलेंस में शव को शमशान तक ले जाने का दबाव बनाते हैं और ऐसा ना करने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। लोग भी मानते हैं कि सरकारी व्यवस्था दुरुस्त ना होने की वजह उन्हें मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है। बस इसी का फायदा ये निजी अस्पताल उठाते हैं। सरकार ने सामान्य मरीजों के लिए 10,000, गंभीर मरीजों के लिए 15,000, आईसीयू और वेंटिलेटर में रखे गए मरीजों से 18,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तय कर दिया है। निजी अस्पताल सरकार के इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, मेरे साथ भी, हम भी लेके गए वहाँ पे, जगह नहीं है, गोर हाथ पड़ते रहे, उसके बाद बोल रहे आपका पेशेंट तो खत्म है, अभी बचेगा नहीं। अभी भाई मेरा पेशेंट सही है, लो। बहुत कहने सुनने गोर हाथ पड़ने के बाद लिया, 50,000 जमा कर दो। उसके बाद से चालू हो गया मेरा पर डे 60,000, 50,000, 1,00,000, देते देते 10-12 लाख रुपया खत्म। उसके बाद पेशेंट, आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं उन्हीं लोगों के लिए निजी अस्पताल खुले हुए हैं और भारी मुद्रा मोचन का काम चल रहा है। इतना पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं जिसका कुछ कहना नहीं है। हम स्वास्थ्य मंत्री से भी और केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं कि निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो यह लूट का जो धंधा है अनवरत चलता रहेगा और सरकार के जो भी एक्ट हैं, जो भी नियम बनाए हैं, उसका सारे लोग अनदेखा कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की भी अपनी मजबूरी है। सरकारी रेट को उन्होंने नाकाफी बताया क्योंकि अस्पताल के संसाधनों के इस्तेमाल से चार्ज बढ़ता है और तो और अस्पताल के स्टाफ कम पैसे में काम करने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए उन्होंने भी सरकार से इस नियम को लेकर गुहार लगाई है। इस तरह का केस जब भी सामने आया है वो मरीज खाली कोरोना से नहीं, बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी पीड़ित रहता है। जब अन्य बीमारियों से पीड़ित रहेगा तो उसका तो खर्च अधिक आएगा ही आएगा। तकरीबन केस जब हम इंक्वायरी करते हैं तो दूसरों कोमॉर्बिडिटीज़ रहती हैं जिस वजह से उसका खर्च अधिक आता है। जितने अच्छे अस्पताल हैं, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं, उनमें तो ऐसा नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे अस्पताल में अगर होता है तो ये अननोटिस चला जाता है, लेकिन अगर ऐसी घटना 1,000 में एक आध हो रही है तो इस तरह का तो काम सब जगह संभव है। सरकार एक इस तरह का ऑर्डर निकाल रही है, MHA के अंडर में निकाले या डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में निकाले, कि जिससे कोई भी स्टाफ आज धमकी नहीं दे सके, छोड़ नहीं सके, भाग नहीं सके। आज सब स्टाफ इस चीज के लिए धमकी दे रहे हैं, हमको डबल सैलरी करो, हमको 3 गुना सैलरी करो, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। इन शिकायतों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने नियम और कानून का हवाला दिया। अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत वैसे अस्पतालों का निबंधन रद्द किया जाएगा। दुश्वारियों के इस दौर में मंत्री भी ऐसे लोगों को निजी लाभ छोड़कर सरकार का साथ देने की अपील भी जरूर करते हैं। यदि किसी भी अस्पताल की ये शिकायत आई कि तय मानक से ज़्यादा उन्होंने इस विपदा की घड़ी को अवसर की घड़ी बनाकर धन उपार्जन का माध्यम बनाया तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनके निबंधन रद्द करने पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं कि सभी अस्पताल को ये 100% उसको अपने टैरिफ का डिस्प्ले करना होगा कि इनको 6-6 घंटे में
हमारे अधिकारियों को अपडेट करना होगा कि कितने बेड खाली हुए, कितने बेड भर्ती हैं और कितने व्यवस्थाएं हैं जी। तो हम पूरी तरीके से इस कोरोना के वैश्विक संकट को समाप्त करने के लिए हर छोटी बड़ी जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, सबको हम लगाएंगे। जिम्मेदारी हर किसी की बनती है, चाहे वो सरकार हो, सरकारी अमला हो या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाले निजी अस्पताल। अपने निजी स्वार्थ को दरकिनार कर एक साथ एक मत होकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में खड़े हों। उपेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, रांची।